अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानियल ताहिर है और आप देखें व्यू ऑफ पाकिस्तान। सुनहरी मस्जिद जाते हुए, सुनहरी मस्जिद यानी कि गोल्डन मॉस्क मुगल एरा के डिक्लाइनिंग पीरियड में बनाई गई थी। 1753 में लाहौर के डिप्टी गवर्नर नवाब बुखारी खान ने इसको मुकम्मल करवाया था मोहम्मद शाह के दौर में। इस मस्जिद की तामीर की मुखालफत एक लोकल शॉप ओनर ने की थी क्योंकि ये मस्जिद एक बहुत ही कंजस्टेड एरिया में बन रही थी जहाँ पर पहले एक बाज़ार था। ये इस मस्जिद का सहन है जो कि सीढ़ियाँ चढ़ते ही आपको नज़र आएगा, और ये मेरे पीछे वाटर टैंक है वज़ू के लिए, और यहाँ से आप सारी सराउंडिंग भी देख सकते हैं। इस मस्जिद का आर्किटेक्चर सिख और मुग़ल डिज़ाइंस का एक मिक्सचर है क्योंकि इसके चार मीनार हैं जिसके ऊपर जो है छोटे छोटे गुंबद हैं चार, और तीन बड़े भी गुंबद हैं बीच में जो कि सारे गोल्डन कलर के हैं जिस तरह के अमृतसर में हैं, और दरवाज़ों पर फ्रेस्को डिज़ाइन हैं जो कि मुग़ल आर्किटेक्चर की निशानी है। इसके इनर हॉल की दीवारों और सीलिंग का जो फ्रेस्को डिज़ाइन है वो काफ़ी यूनिक और कॉम्प्लेक्स है, जिससे पता चलता है कि ये फ्रेस्को की एक इवॉल्व फॉर्म है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।